ये हाथी चिल्ला रहा है, ये हाथी कई घंटे से परेशान है। खेल खेल में गजराज के गले ऐसी मुसीबत पड़ी है जो ना उगलते बन रही है और ना ही निकलते। तस्वीर मेलबर्न के एक चिड़ियाघर की है जहां इस हाथी की शरारत इसके लिए जी का जंजाल बना। छोटे हाथी स्वभाव से बेहद चंचल और शरारती होते हैं जिस कारण ये अक्सर मुसीबत में फंस जाते हैं। जंगल के झुंड के बड़े हाथी खासतौर पर इनकी निगरानी करते हैं। छोटे बच्चों को झुंड के बिल्कुल अंदर की तरफ रखा जाता है जबकि ताकतवर हाथी और हथी छोटे बच्चों के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाते हैं। इस घेरे का मकसद छोटे हाथियों को हादसों और शिकारियों से बचाना होता है। हालांकि इस घटना में जू के अंदर बड़े हाथियों के सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं थी, बावजूद इसके ये छोटा हाथी पोल से लटके इस टायर में आ फंसा। शुरुआत में तो हाथी ने इसे हल्के में लिया और टायर के साथ खिलवाड़ करता नजर आया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया नन्हे गजराज को समझ में आ गया कि वो कितनी मुश्किल में है। तस्वीरों में भी साफ दिखाई दे रहा है कि हाथी का पिछला पैर टायर में फंसा है और ये लाख कोशिश के बाद इससे छूट नहीं पा रहा। ये अपनी नन्ही सी सूंड से रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छोटे हाथी में इतनी ताकत नहीं कि अपने गूते इस फंदे को तोड़ सके। जानकारी के मुताबिक हाथियों के बाड़े में अक्सर टायर या टॉयज लटकाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि चंचल हाथी इन टॉयज के साथ खेल सके, जिससे इन्हें बाड़े में ही जंगल का माहौल मिल सके। लेकिन इस टायर को लटकाते वक्त शायद ही जू के कर्मचारियों को इस बात की आशंका रही होगी कि गजराज इस तरह मुसीबत में फंस जाएगा। बताते हैं कि इस फंदे से छूटने के लिए छोटे हाथी ने कई तरीके अपनाए। इसने फंदे को पूरी ताकत के साथ खींचने की कोशिश की। ये तरकीब काम नहीं आई तो ये पोल के चारों तरफ घूमने लगा, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं आया। आखिर में छोटा हाथी अपने दो पैरों के सहारे इस टायर में लटक गया। हाथी के लिहाज से ये तरीका बेहद जोखिम भरा था। अगर इसका बैलेंस जरा भी बिगड़ जाता तो ये खुद को घायल कर सकता था, क्योंकि भले ही ये हाथी सिर्फ 6 महीने का था लेकिन इसका वजन 500 किलो के करीब था। अगर